टीवी के पॉपुलर लव ड्रामा ये मोह मोह के धागे के आने वाले एपिसोड में व्यूअर्स तैयार हो जाइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर इमोशनल सीक्वेंस के लिए। इतनी सारी मेहनत और मशक्कत के बावजूद मुखी और अरु इस कॉम्पिटिशन को हार जाते हैं, लेकिन ये सारी हार मुखी ने जानबूझकर की थी। दरअसल इस पूरे प्रतियोगिता के आखिरी हिस्से में अरु और मुखी को मटके फोड़नी थी। सारे पड़ाव पार करने के बाद मुखी अरु के हाथ में चोट लगने की वजह से उनके लिए लेप लेने भाग जाते हैं और आने में देर कर देते हैं। और इसी बीच धर्मपुर से आया हुआ जोड़ा एक दूसरे का साथ देकर मटकी फोड़ देता है, पर मुखी और अरु वहां खड़े के खड़े रह जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो अरु मुखी पर बहुत क्रोधित होती है। फाइनली मुखी उन्हें असली वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल उन्हें उस जोड़े के जीतने की वजह पता चल गई थी। धर्मपुर का वो जोड़ा इस प्रतियोगिता को अपनी छोटी बेटी के इलाज के लिए इतना चाहता था। उनकी बेटी के दिल में छेद था जिसे ठीक करने के लिए उन्हें रुपयों की जरूरत थी। मुखी अरु को समझाते हैं कि उनके जीतने की वजह इनसे ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण थी, इसीलिए वो जानबूझकर इस प्रतियोगिता को हार जाते हैं। ये सुनकर अरु के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आने वाले एपिसोड में क्या होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और टीवी से जुड़ी हुई अन्य चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।